मुंबई क्रूज ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विवादित गवाह किरण गोसावी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोसावी पर धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं और धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस को उनकी तलाश थी। पुणे पुलिस का कहना है कि गोसावी को देर रात गिरफ्तार किया गया है। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे के फरसखाना थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज है। ये 2018 का मामला है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। वो कई दिनों से फरार थे। गोसावी को पकड़ने के लिए पुणे पुलिस की दो टीम भी बनाई गई थी जो यूपी गई थी। पुलिस का कहना है कि 2018 में किरण गोसावी और शेरबानो कुरेशी ने पुणे के चिनिमय देशमुख नाम के युवक को मलेशिया में नौकरी दिलाने के लिए झांसा दिया था और उसे इस झांसे के बदले 3 लाख रुपए ठग लिए थे। इस मामले में पुलिस ने शेरबानो कुरेशी को मुंबई से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और अब गोसावी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि किरण गोसावी वही शख्स है जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की सेल्फी को लेकर चर्चा में आए थे और इस वक्त आर्यन केस में ही एनसीबी के गवाह भी हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।